कर्नाटक में जिस सीट पर फंसी थी खड़गे की प्रतिष्ठा, वहां बीजेपी जीती या कांग्रेस? कर्नाटक में आखिरकार कांग्रेस ही किंग बनी है। जैसी तस्वीर चुनावी सर्वे में हमें नजर आई थी, ठीक वैसी ही तस्वीर नतीजों में भी देखने को मिली। कर्नाटक में कांग्रेस ने बंपर जीत दर्ज करते हुए बीजेपी का सफाया कर सत्ता में वापसी की है। ये चुनाव कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए नाक का सवाल बन गया था। अपने गृह राज्य में कांग्रेस की जीत से खड़गे भी गदगद हो गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के नाते वैसे तो पूरे राज्य पर उनकी नजर थी, लेकिन सबसे ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण सीट थी चितपुर सीट, जहां से मल्लिका अर्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे चुनावी मैदान में उतरे थे। अब इस सीट पर बीजेपी जीती है या कांग्रेस, चलिए जानते हैं। कर्नाटक की चितपुर सीट पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। इस सीट से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने जबरदस्त जीत हासिल की है। इस सीट पर मुकाबला कैसा रहा, सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले जीत के बाद प्रियांक खड़गे ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। Decision for development, they have taken a decision for the constitution, they have taken a decision for progressive politics. I'm grateful to them. I've been saying that we'll get more than 120 seats. You did not believe me. Well, today we now have the results and we'll form the government and give the people of Karnataka a very progressive government. That will be decided by the High Command in a couple of days. Thank you. प्रियांक खड़गे ने कर्नाटक के चुनावी रण में तीसरी बार जीत दर्ज की है। चितपुर विधानसभा सीट हॉट सीट में से एक थी, जहां प्रियांक खड़गे का मुकाबला बीजेपी के मणिकांत राठौर और जेडीएस के डॉक्टर सुभाष चंद्र राठौर से था। हालांकि काउंटिंग के शुरुआती चरण में प्रियांक जेडीएस और बीजेपी उम्मीदवार से पीछे चल रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने ऐसी बढ़त बनाई कि पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रियांक खड़गे ने इससे पहले साल 2018 और 2013 का लगातार दो बार चुनाव जीता है, ऐसे में अब तीसरी बार वे विधायक चुने गए हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक प्रियांक खड़गे को कुल 81,088 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के मणिकांत राठौर को 67,450 वोट मिले हैं। ऐसे में 13,640 वोटों से प्रियांक ने जीत दर्ज की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी पर दिए विवादित बयान के कारण भी प्रियांक खड़गे चर्चाओं में आ गए थे। कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने कर्नाटक में गुलबर्गा की रैली में पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने पीएम मोदी को नालायक बेटा कहा था। अपने बयान में प्रियांक ने कहा था कि पीएम मोदी खुद को बंजारा समुदाय का बेटा बता रहे हैं, लेकिन आप बताइए, अगर बेटा नालायक है तो घर कैसे चलेगा? आपको बता दें कि कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 130 से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की है, तो वहीं बीजेपी 70 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। जेडीएस के खाते में भी 20 से ज्यादा सीटें आई है, वहीं अन्य के खाते में 5 सीटें आई हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।